आप देख सकते हैं ये बड़ा जबरदस्त टेक्सचर है इसका। अच्छी तरह इसको ऑयल ब्रश करना है, ये जो जितना ऑयल डल होगा उतना अच्छा। और इसको वहाँ पर watching. परफेक्ट ही फ्राइड चिप्स अगर आपको चाहिए तो उनका टेक्सचर येलोविश होना चाहिए, तो इसकी एक ट्रिक है जो कि आपके बड़े काम आ सकती है। पहली चीज़ ये कि आपकी जो स्किन है वो फुल तेज होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि जब आप कुक कर रहे हो तो आपने जिसको डाल के छोड़ देने और उसको ऐसे लेट दे देनी है। थोड़ी देर ऐसे लेट रहेगी तो चिप्स आपके अच्छी तरह गल भी जाएंगे और उनका कुकिंग टाइम इंक्रीज नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से कम ऑयल एब्जॉर्ब करेंगे और आपके चिप्स बहुत मज़े के फ्राई होंगे। लेट मी शो यू द एंड रिजल्ट। अब मैं लेट हटाने लगी हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे हो रहे हैं। मैंने लेट हटाई, मैंने दोबारा स्टीम दी, मैंने इसको दोबारा हिलाया, ये क्रिस्पी हो चुके हैं। मैं अच्छी तरह इसको हिलाऊंगी और बाकी नज़र आ रहा होगा इसका टेक्सचर। तो चेक करने के लिए जो कि अच्छे कुछ मोटे वाले थे उनको टाइम लग जाता होता है, आई जस्ट चेक कि वो गले के लिए, अगर मुझे लगा कि सख्त हैं तो मैं उनको एक दफ़ा दोबारा स्टीम दूँगी। और मैं अब ये लेट दोबारा दे रही हूँ जस्ट फॉर सम टाइम। आपको नज़र आ रहा है कि मीडियम फ्लेम है, बिल्कुल मीडियम से थोड़ा तेज़ी है, ठीक है। कढ़ाई के ऊपर ढक्कन है और अंदर चिप्स। अब मैं चेक करूँगी चिप्स, तो मुझे उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह ये ब्राउन भी हो रहे हैं, ब्राउन ही मेरा मतलब है रेडी हो रहे हैं, ठीक है। रेडी हो गए, ये आपका फाइनल रेडी।